हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू टॉप मल्स। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे हैं जिन्होंने अपना जीवन साथी इंडस्ट्री में ही तलाश कर लिया। कुछ कलाकारों को अपना लाइफ पार्टनर इंडस्ट्री से बाहर मिला, लेकिन बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे भी हैं जिनके हम सफर की तलाश इंडस्ट्री और देश में नहीं बल्कि विदेश जाकर खत्म हुई। ऐसे कई जाने माने सितारे हैं जिन्होंने अपने हम सफर के रूप में एक विदेशी नागरिक से शादी रचाई है। हालांकि इस लिस्ट में अगर बात करें पहले तो शशि कपूर का ही नाम आता है, लेकिन हाल ही में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर ने अपनी जीवन साथी सात समुद्र पार से तलाश की है। आज हम आपको उन्हीं कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के कुछ ऐसे कपल हैं जिनमें एक भारतीय स्टार है और दूसरा शख्स विदेशी मूल का है। चलिए बताते हैं। नंबर वन, शशि कपूर। फिल्मों में अपने स्टाइल के लिए मशहूर शशि कपूर ने हजारों भारतीय लड़कियों के दिलों को तोड़ते हुए फॉरेन एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से शादी की थी। हालांकि कैंसर की वजह से जेनिफर की डेथ 1984 में ही हो गई थी, लेकिन शशि ने दोबारा कभी शादी नहीं की। नंबर टू, प्रीति जिंटा। फिल्म इंडस्ट्री की डिंपल गर्ल ने गुपचुप तरीके से अमेरिका में अपने विदेशी बॉयफ्रेंड से शादी रचाई थी। कपल अमेरिका में रहता है। शादी से पहले दोनों के 5 साल तक डेट करने की खबरें हैं। खैर, उनके फैंस को कोई नाराजगी नहीं है और यही दुआएं हैं कि उनके डिंपल वाली स्माइल हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और वो खुश भी है। नंबर थ्री, सेलिना जेटली। बताते एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने ऑस्ट्रेलिया ब्रेस्ट होटलियर पीटर हॉन्ग से शादी की थी। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। इसके बाद साल 2010 में सगाई और 2011 में उनकी शादी हुई। इस कपल की क्यूट जुड़वा बेटे भी है। नंबर फोर, प्रियंका चोपड़ा। मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में अमेरिकन सिंगर निक जॉनस से शादी की थी। उस साल दोनों की शादी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी। दोनों ने जोधपुर के उम्मेद भवन में शादी रचाई थी। नंबर फाइव, माधुरी दीक्षित। फिल्म इंडस्ट्री की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़कर US ब्रेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी की थी। दोनों ने शादी 1999 में रचाई थी। नंबर सिक्स, श्रेया सरन। साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्रेया सरन ने अपने रशियन बॉयफ्रेंड से शादी की थी। एंडिस एक टेनिस प्लेयर और एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों ने 2018 में शादी की थी। नंबर सेवन, अक्षय कुमार। कुछ मीडिया खबरों के अनुसार व मीडिया में अक्षय कुमार द्वारा बताए सच के अनुसार अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना की अभिनेत्री बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की। हालांकि अक्षय का जन्म, फैमिली और कैरियर सब भारत से जुड़ा है, लेकिन दूसरे देश की नागरिकता होने के कारण वो विदेशी ही कहलाएंगे। फिलहाल अक्षय ने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है। दोस्तों, अपने फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार के लिए एक लाइक और कमेंट करना ना भूले। नंबर एट, कबीर बेदी। फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर ने हाल ही में प्रवीण दोसांझ से शादी रचाई है। यह उनकी चौथी शादी है। इससे पहले कि उनकी तीन पत्नियों की लिस्ट में एक विदेशी नाम सुसान हम्फ्रेस भी शामिल है। नंबर नाइन, राधिका आप्टे। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस राधिका यूं तो अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन राधिका अपनी शादी को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। बता दें कि राधिका की खूबसूरती में यूं तो लाखों लड़के फिदा है, पर राधिका का दिल विदेशी लड़के पर आया था। राधिका आप्टे को ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शादी की थी। हालांकि आजकल राधिका के साथ बॉलीवुड में ही बेनेडिक्ट काम कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में फिल्म न्यूटन में म्यूजिक दिया है। दोस्तों, इन जोड़ों में से आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती है आपको ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।